जनपद संभल के चंदोसी में हर बूथ पर यूथ अभियान के तहत समाजवादी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार हर बूथ पर वोट भरवाने का कार्य दिनांक 7/8/2021 से 22/9/2021 तक चलाया जाएगा, जिसमें यूथ ब्रिगेड की एक मीटिंग नगर कार्यालय ब्रह्मा बाजार पर पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमती रेणु कुमारी के यहां आयोजित की गई, जिसमें यूथ ब्रिगेड के विधानसभा अध्यक्ष साजिद कुरैशी विधानसभा की टीम उपस्थित रही, जिसका उत्साहवर्धन पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती रेणु कुमारी, श्रीमती गीता बाल्मीकि के द्वारा यूथ टीम को वोट बनवाने तथा समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनवाने का संकल्प लिया। जो हर बूथ पर यूथ कार्यक्रम किया है, इसमें क्या कहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूँगा, अभियान के तहत वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम जोरों शोरों से है। हमारे वार्ड में अगर किसी का वोट नहीं बना है, वो वोट बनाया जाए। वोट बनवाने के हमारे जो संगठन के हैं यूथ ब्रिगेड के, सब लोग लगे हुए हैं, सदस्य हैं, सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव जी हैं, सारे लोग मेरे लगे हुए हैं तन मन धन से। और क्या कहना चाहेंगे? और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने वोट बन जाएं वो हमारा प्लस वोट होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 351 प्लस की बात करी है, मैं चाह रहा हूँ कि 400 प्लस सीटें आएँ हमारी, लोगों की जमानतें जब्त हो जाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पूर्व में फिर दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता बहाल हो जाए, रोज़गार मिले, किसानों का उनका हक मिले, जितनी परेशानियाँ झेली हैं उत्तर प्रदेश में 5 साल से, वो परेशानियाँ सारी खत्म हो जाएँ।